गतिविधि दो, एक डोरी लीजिए और उसे गेंद पर पूरी तरह लपेट दीजिए। बीच में कोई भी जगह छूटने ना पाए और ना ही डोरी एक दूसरे के ऊपर हो। आकृति 33 देखिए। अगर हम इस डोरी से वृत्त बनाएं जिसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर हो, तो आप पाएंगे कि हम ऐसे चार वृत्त बना पा रहे हैं। आकृति 34, जिसका क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होगा। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर वर्ग। इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर वर्ग वर्ग इकाई, जहां आर गोले की त्रिज्या है। तब एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्नलिखित तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक में 4 पाई आर वर्ग बराबर 2 पाई आर वर्ग। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर का वर्ग धन पाई आर का वर्ग बराबर 3 पाई आर वर्ग वर्ग इकाई। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर वर्ग वर्ग इकाई। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर वर्ग वर्ग इकाई। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर वर्ग वर्ग इकाई। गोले का आयतन, गोले का आयतन उसकी त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती है, आयतन तेजी से बढ़ता है। आयतन का मान 4/3 पाई आर की घात 3 द्वारा दिया जाता है।